अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हम मोतीलाल नेहरू जी के बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे। वो वीडियो के अंदर मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये मैं एक किताब से लेकर बोल रही हूँ। एमओ मथाई जी की किताब थी, जो पंडित नेहरू जी, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके सेक्रेटरी थे। तो मैंने जो ये इन्फॉर्मेशन पढ़ी वो उस दौरान पढ़ी जिस दौरान ट्रिपल तलाक बिल पास होना था राज्यसभा में। वो वीडियो बनाया गया सितंबर या अक्टूबर में, जिस दौरान ये चर्चा चल रही थी। एंड कांग्रेस, जो हमारे देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, इस बिल का विरोध कर रही थी। एज अ महिला, एज अ भारतीय नारी, मैं समझना चाहती थी कि क्यों कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी, जो कहती है कि वो महिला हित में काम करती है, वो ये बिल को पास नहीं होने दे रही थी, क्योंकि ये बिल से भारतीय मुस्लिम औरतों को बहुत फ़ायदा होता। उनके ऊपर जो अत्याचार होता है इन द मैरिज, वट एवर दे गो थ्रू थ्रू ट्रिपल तलाक, वुड बी स्टॉप्ड। अब ये जो बिल था, ये 3-4 महीने पहले, ऑब्वियसली ये जब वीडियो बना उस दौरान बना, उसके बाद मैंने सुना कि मेरे नाम पर एक FIR हो गई है, और वो FIR के अंदर बहुत पॉइंट्स रखे गए, जिस पॉइंट्स के अंदर कहा गया कि ये वीडियो से भारत के रिलेशंस विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली पाकिस्तान से अफेक्ट होते हैं। तो मैं जानना चाहती थी कि किस तरह से अफेक्ट होते हैं। मैंने वो FIR को इतना सीरियसली नहीं लिया, बट लिया सीरियसली जब राजस्थान पुलिस मेरे घर पर आई, आई थिंक नवंबर एंड में आई, संग्राम जी नवंबर एंड में आई, एंड वो एक दिन पहले मुंबई गई, और उसी दिन के नेक्स्ट दिन वो अहमदाबाद आए, क्योंकि संग्राम जी को वो मुंबई में मिले, और संग्राम जी ने खुद राजस्थान पुलिस को बोला कि पायल मुंबई में नहीं है, पायल अहमदाबाद में है। तो जिस इंसान ने खुद मेरा एड्रेस दिया है राजस्थान पुलिस को, वो ऑब्वियसली एक मैसेज सेंड कर रहा है कि हम पुलिस के साथ कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि हम एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, संग्राम जी और मैं। जिसने ऑब्वियसली देखा, मैंने देखा कि अगले दिन पुलिस एज यू केम टू माई हाउस वेरी प्रॉम्प्टली एज इफ आई हैव कमिटेड अ क्राइम, सेइंग दैट ये FIR के ऊपर उनको मुझे नोटिस देना है। उन्होंने जो सम्मन्स बॉम्बे में दिए थे, वो सम्मन्स का जवाब लेके मैं बैठी थी अहमदाबाद में, एंड वो जवाब हिंदी में था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन हो, क्योंकि मैं ज़्यादातर इंग्लिश में सोचती हूँ, क्योंकि मैं एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, और मुझे कहा गया है कि वो एक सही माध्यम है, जब मेरे को अभी लगता है कि हिंदी में बातचीत करना सही होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ईजी और हमारी मातृभाषा है। इसके तो मैंने अपना जवाब हिंदी में दिया, सो दैट वहाँ के पुलिस अफसरों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हमारे पास रिसीविंग हुई वो कागज़ की, क्योंकि हम चाहते थे कि कोई गलत फहमी नहीं हो। उसके बाद पुलिस चली जाती है। अब मैंने देखा कि 10 दिन के बाद कुछ फिर से मूवमेंट होती है, कि वो चाहते थे कि हम बूंदी आए, तो हम कैसे, हमें FIR में प्रॉब्लम्स लग रही है लॉयर्स के साथ कंसल्ट करके, क्योंकि कोई भी तरह से इतने महीनों में कोई भी रिलेशंस विद द नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली पाकिस्तान के साथ ख़राब नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ माई वीडियो, कोई दंगे नहीं हुए थे बिकॉज ऑफ माई वीडियो, क्योंकि मैं वीडियो में क्लियरली खाली एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही थी, वो भी मेरे विचार नहीं थे, एक थर्ड पार्टी विचार थे। उसके बावजूद पुलिस के का एक प्रेशर था कि हम बूंदी आए, तो हमने हमारे लॉयर्स के साथ ये डिस्कस किया, और लॉयर ने हमें बोला कि आप एंटिसिपेटरी बेल लेकर ही बूंदी जाएंगे। जब हमारी बेल की अर्जी गई ऑन थर्सडे टू बूंदी, फ्राइडे को पुलिस वॉज सपोज टू सबमिट द केस डायरी रिलेटेड टू द केस, उन्होंने वो पुलिस डायरी सबमिट नहीं करी, एंड मंडे को हमारी बेल की हियरिंग थी, वो संडे को मुझे मेरे घर अहमदाबाद से पिकअप करते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, विच इज़ आई थिंक नॉट डन, एंड मैं 12 घंटे ट्रैवल करती हूँ, और मुझे कोटा पुलिस थाने में रखते हैं फॉर द नाइट, जबकि मेरा तभी डिटेंशन हुआ था, मगर मैं एज अ भारतीय नागरिक समझ नहीं पाई थी कि क्या हुआ है, एंड मैं अकेले लाई गई, एंड मुझे वो पुलिस स्टेशन में रखा गया फॉर द नाइट, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि जब मैं डिटेंशन में हूँ मेरे पास राइट है टू बी इन अ होटल विद समबडी हु इज़ माई गार्डियन। उसके बाद ऑब्वियसली अगले दिन मुझे कोर्ट में पेश किया गया, और कोर्ट में मेरी बेल खारिज की गई। दिस इज़ माई साइड ऑफ द स्टोरी। संग्राम जी हैज़ बीन अ पिलर ऑफ सपोर्ट, बिकॉज वो एक पहलवान है मगर एक सिंपल इंसान है, और हम एज अ भारतीय नागरिक काफ़ी कन्फ्यूज थे कि क्यों हमें इतना एग्रेसिवली फॉलो किया जा रहा था ओवर दिस सोशल मीडिया वीडियो। आई डोंट थिंक देयर वाज पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस बिहाइंड योर अरेस्ट,
देखिए अब छोटी सी बात कहता हूँ मैं, आई वॉज पार्ट ऑफ दिल्ली पुलिस, मैं पहले दिल्ली पुलिस में था, तो ये तो कोई एफ आई आर बनती नहीं। देखिए वो वीडियो बनाना किसी के लिए गलत है, मैं भी बोल रहा हूँ गलत है, मगर अपराध नहीं है, क्योंकि वीडियो बनाना नहीं, देखिए किसी के ऊपर वीडियो बनाना गलत है मगर अपराध नहीं है, मैं कह रहा हूँ। देखो सुनो सुनो पायल, मैं आई टेल यू, अब मान लो किसी के लिए एक्स वाई जेड के लिए बोलते हैं, शायद उनको बुरा लगा, चलो भैया गलत हो गया, मगर अपराध नहीं हुआ, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का वो है। तो इस मामले को एफ आई आर दर्ज हो ही नहीं सकती जो एफ आई आर दर्ज की थी उन्होंने, एज ए मतलब पुलिस के उससे भी। फिर वो जो पुलिस वाले आते थे, मिलते थे, बोलते थे हमारे ऊपर प्रेशर है, फिर प्रेशर, फिर एक फ़ोन कॉल हमारे पास आती है जिसमें ऊपर से जो कांग्रेस हेडक्वार्टर से फ़ोन आता है आपके सीएम के पास, सीएम का फ़ोन जाता है इनके पास, वो एक बाकायदा एक मतलब किसी का नोट आया मेरे पास, और उसमें जिसकी आवाज़ थी, एक मेरा नोम था, मैं चाहता नहीं था कि उस पर कुछ बात आए। तो फिर नॉर्मली होते हुए फिर मैंने देखा कि राजस्थान में कितने मुद्दे हैं, क्योंकि राजस्थान इतना बड़ा, अब इंडिया का सबसे बड़ा मतलब स्टेट है फिलहाल, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से। और मैंने अपना पहला सीनियर नेशनल 2003 में राजस्थान की तरफ से खेला था, 120 केजी में, रांची में, और सिल्वर मेडल जीता था वहाँ पे। तो अब इतने मुद्दे हैं वहाँ पे, इतनी सारी चीज़ हैं, इतना यहाँ पे घटनाएं हो रही हैं, इतनी गरीबी है, या फीमेल के साथ इतना शोषण हो रहा, तो सारे काम छोड़ के पुलिस 3 दिन से अहमदाबाद बैठी हुई थी। हम 2 दिन फिर भी बाहर थे, और हम 2 दिन बाहर थे क्योंकि हमारे लॉयर साहब ने बोला था कि पुलिस ने केस डायरी नहीं दी है, तो शायद कुछ पॉलिटिकल हो सकता है, मगर हम किसी काम से बाहर थे, उस पर लॉयर ने बोला, तो मुझे लग नहीं रहा था कि इस छोटे से केस के लिए, इतनी चीज के लिए कौन आएगा, क्या कुछ करेगा, मगर पुलिस वाले सारा काम छोड़ के अपना वही बैठे हुए थे, पूरा थाना, SHO साहब, जो वो क्या नाम था, पालीवाल था, और सब इंस्पेक्टर की लेडी, एक कौशल्या जी, हाँ, एक कांस्टेबल, और एक उनका, हाँ, एक ड्राइवर, सारे बैठे हुए थे, और वहाँ की SP कोई ममता गुप्ता शर्मा कुछ ऐसा नाम उनका। तो आए जिस हिसाब से उन्होंने ये किया, तो फिर वो खुद कह रहे थे प्रेशर है। देखिए मैं ही कहूँगा कि ये बात पायल की नहीं है, ये बात मेरी नहीं है कि मैंने इतना फेस किया या बाकी ने फेस किया, ये बात एक आम इंसान की है। देखिए मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मेरे लिए कांग्रेस BJP सब बराबर है, मैं बहुत न्यूट्रल आदमी हूँ, जो सही है गलत है गलत है, मैं खुददार आदमी अपनी मेहनत करके आया हूँ, तो भैया मेरे लिए प्रेसिडेंट भी वही है, एक रिक्शा वाला भी वही है, आई रिस्पेक्ट सेम। तो जब भी इतना करते हैं, फिर ये करते हैं कि भैया नहीं, हम तो देश के लिए वो करते हैं, हम ये सारी चीज़ करते हैं, कश्मीर में आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच दबा दी, आपने यहाँ पे दबा दिया, तो भैया राजस्थान में क्या हुआ, एक कोई केस ना होते हुए, और वो जो बैठे हुए थे, जो हमारे जो लॉयर साहब थे, उन्होंने आर्ग्यूमेंट फुल किया, सारी चीज़ें की, उसके बावजूद आप जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, जैसे वो ऐसा क्राइम किया हो कि उन्होंने मर्डर किया है, कुछ किया है, तो बहुत गलत है ना सर। बूंदे पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह गलत ठहरा हो गया, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट इसके लिए भैया ये करेंगे कि पहले ये केस शॉर्ट आउट करेंगे, और फिर उन सब पे बात जानी चाहिए जिन्होंने गलत काम किया, और गलत मैं करता तो मेरे ऊपर आए, जिन्होंने गलत किया सब पे एक्शन लिया जाएगा। एक मिनट, देखिए मैंने खुद बोला कि किसी देखिए बात मेरे अड़ने या ना अड़ने से नहीं होती, हाँ, तो मैंने तो मेरे वीडियो में ही कहा है कि मैं किधर और से पढ़ रही हूँ। अगर मेरा वीडियो गलत है तो जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आती है, आप वहाँ पे चेक करिए ना, आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन चेक करिए कि वो सही है या गलत है। आप एक आर्टिस्ट जो ऑब्वियसली इंटेंशन रखता है लोगों को एजुकेट करने की, और अगर उसको लगता है कि उसने अनइंटेंशनली कांग्रेस को हर्ट भी किया है, तो मैंने एक अपोलॉजी का वीडियो भी बनाया, और वो वीडियो मैंने बनाया जब मैंने देखा कि पुलिस एग्रेसिवली ये FIR के थ्रू मुझे अरेस्ट करने की शायद साजिश कर रही है, तो मैंने एक अपोलॉजी का वीडियो भी बनाया कि मैं जेल नहीं जाना चाहती थी ओवर समथिंग लाइक दिस। इतना कुछ करने के बाद भी पुलिस हाथ धो के मेरे को संडे पिकअप करती है, और इस तरह से पिकअप करती है, और इस तरह से मेरे को गो थ्रू करवाती है विद द काइंड ऑफ यू नो द वे इट वेंट अबाउट वाज समथिंग एज इफ दे जस्ट वांटेड टू परेशान करो मी अननेसेसरीली। व्हाई डिड दे डू दैट आई डोंट नो। तो ये उनका मोटो क्या था मुझे नहीं पता, क्योंकि उनके जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं राहुल गांधी जी, उनकी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो बोलते हैं कि वो राहुल गांधी हैं, वो राहुल सावरकर नहीं है। वीर सावरकर भी हमारे देश के फ्रीडम फाइटर हैं, उनको राइट है राहुल गांधी जी को टू कीप हिज वर्ड, कीप हिज थॉट ऑफ योर फ्रेम ऑफ माइंड। वो अपने हिसाब से जब चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को चोर कहते हैं, मगर वो कर सकते हैं। अगर कोई और भारतीय नागरिक जो राजनीति से जुड़ा हुआ वैसे नहीं है, क्योंकि मैं कोई नेता नहीं हूँ, ना मैं कोई राजनीतिक पार्टी से
रही हूँ, मैं अगर अपने इंडिपेंडेंट विचार रखती हूँ तो मुझे वो राइट होना चाहिए। ये मेरी चॉइस है कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करूँ या भाजपा को सपोर्ट करूँ, मगर मेरी मेरे एक सपोर्ट से मुझे ऐसे टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। और सेकंड थिंग, जैसे आपने जो क्वेश्चन किया अभी, अगर पकड़ना है तो देखिए वो जो एम एम मथाई की बुक आज भी 400 रुपये में अमेजोन पे इन सब पे अवेलेबल है, गूगल पे स्टफ अवेलेबल है। भैया केस करना गूगल पे करो, आप बंद करवाओ उस किताब को, बंद करवाओ पब्लिकेशन हाउस को, आप करो। तो ये अगर देखो अपराधी वो बनते हैं, अगर किसी का कोटेशन करता है कोई अपराधी, वो बनता नहीं अपराधी, वो उनको पकड़ो पहले, आप उनको एफ आई आर दर्ज करो, उनको बंद करो।